हेलो गाइस, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक एलिन्स। अब एलिन्स होते क्या है, तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। एलिन या इसी को बोलते हैं क्यूमुलेटेड। क्यूमुलेटेड ठीक है। अब एलिन्स होता क्या है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो सबसे पहले यहाँ पर स्ट्रक्चर ले लिए, सी डबल बॉन्ड सी है और इसके बाद डबल बॉन्ड सी है। इस पे दो हाइड्रोजन लगा दिए एच एच, लेफ्ट पे भी दो हाइड्रोजन अटैच कर दिए एच और एच, और एक नेक्स्ट कंपाउंड सेकेंड कंपाउंड एक और ले लेते हैं सी डबल बॉन्ड सी, उसके बाद सिंगल बॉन्ड लगा दिए, फिर उसके बाद कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, उसके बाद सिंगल बॉन्ड कार्बन। अब यहाँ पे इस कंपाउंड और इस कंपाउंड में डिफरेंस क्या है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसके अंदर जो पाई बॉन्ड है वो लगातार पाई बॉन्ड है ठीक है, बट इस वाले कंपाउंड में देखो यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है पाई उसके बाद सिंगल फिर उसके बाद पाई फिर उसके बाद सिंगल, तो इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं कंजुगेशन, मतलब इसके अंदर एक कंजुगेशन होगा, मतलब इस तरह के कंपाउंड एलिन्स का केस नहीं होते, इस तरह के कंपाउंड में एलिन्स का कोई केस नहीं होता, यहाँ पे कंजुगेशन होता है जिसे बोलते हैं रेजोनेंस। इस कंपाउंड के अंदर क्या होते हैं, रेजोनेंस, तो इस तरह के कंपाउंड में एलिन्स का केस नहीं लगते। तो अब यहाँ पे एलिन्स में होता क्या है, अगर लगातार पाई बॉन्ड है इसे होता क्या है, तो इसकी इससे मैकेनिज्म से समझेंगे कि इसमें एक्चुअल होता क्या है। देखो यहाँ पे ले लिए सी डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, और इस पे दो हाइड्रोजन अटैच किए एच एच, और लेफ्ट में भी दो हाइड्रोजन अटैच किए एच और एच, इसे बोलते हैं एलिन्स। अब इस पे चेक करो, इसमें में टोटल तीन कार्बन है और दो पाई बॉन्ड है। अब हम इस कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन चेक करेंगे, इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन, तो एक इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू होगा, ये जो मिडिल वाला कार्बन है इसकी हाइब्रिडाइजेशन एसपी है, और यहाँ पे ये जो कार्बन है इसकी भी हाइब्रिडाइजेशन एसपी टू है ठीक है। अब इसके अंदर टोटल तीन कार्बन है, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड। अब यहाँ पे होता क्या है कि ये एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, कैसा होते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर मतलब यहाँ पे देख रहे हैं कि इस कंपाउंड के अंदर टोटल दो पाई बॉन्ड है, तो जो दो पाई जिस कंपाउंड के अंदर दो पाई बॉन्ड होता है वो लगातार होते हैं, वो होते हैं क्यूमुलेटेड या एलिन्स, और यहाँ पे जो कंपाउंड होता है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, मतलब दोनों एक दूसरे के 90 डिग्री पे होते हैं, परपेंडिकुलर सेम प्लेन में नहीं होता, तो इसको कैसे समझेंगे, देखो इसको हम थोड़ा डिटेल में चेक करते हैं। यहाँ ले लिए कार्बन, इसके बाद डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड सी, अब यहाँ पे देखो इस पे दो हाइड्रोजन लगा दिए, एक को रखते हैं बैच पे, एक हाइड्रोजन को रखते हैं बैच पे और एक हाइड्रोजन को रखते हैं डैश पे, और दो जो हाइड्रोजन है वो सेम प्लेन में, एक नॉर्मल प्लेन में नॉर्मल बॉन्ड के साथ है सेम प्लेन में, तो यहाँ पे जो ये दोनों जो हाइड्रोजन है ये सेम प्लेन में है या नॉर्मल प्लेन में है ठीक है, ये दोनों नॉर्मल बॉन्ड के साथ सेम प्लेन में है। अब उसके बाद इसमें क्या है कि यहाँ पे जिस कार्बन के ऊपर दो हाइड्रोजन अटैच है, एक तो बैच पे है और एक डैश पे है, मतलब कहने का मतलब है कि अगर यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर जो दो हाइड्रोजन वो सेम प्लेन में है, बट इसके पास दो जो हाइड्रोजन है वो 90 डिग्री पे है, मतलब अगर एक प्लेन के एबव द प्लेन होगा, बैच का मतलब होता है एबव द प्लेन, और यहाँ पे डैश का मतलब होता है बिलो द प्लेन, कुछ इस टाइप से ठीक है, बिलो द प्लेन। तो यहाँ पे एक दूसरे का क्या है, एक कंपाउंड एक दूसरे का क्या होगा परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे का 90 डिग्री होगा, मतलब सेम प्लेन में कंपाउंड नहीं एग्जिस्ट करेगा, तो इसी को बोलते हैं एलिन्स। अब इसमें होता क्या है कि अगर सपोज मान लो, सबसे पहला पॉइंट इसमें देखते हैं, ये के अंदर यहाँ पे जो पाई बॉन्ड है ना, इस एलिन्स के अंदर जो पाई बॉन्ड है वो इवेन नंबर के फॉर्म में है, तो अगर इवेन नंबर के फॉर्म में पाई बॉन्ड होगा, इवेन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर होगा कंपाउंड के अंदर वो भी लगातार ठीक है,
इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड अगर लगातार होगा वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होते हैं, ठीक है। और अगर बी के अंदर चेक करते हैं ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड वो एक दूसरे के सेम प्लेन में होते हैं, प्लेनर होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होते। तो हमेशा ध्यान रखना कि अगर इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है एलिन्स के केस में वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं, और जो ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होता है वो एक दूसरे के प्लेनर होते हैं। इस तरह के कंपाउंड को बोलते हैं एलिन्स, जो क्या होते हैं एक दूसरे का परपेंडिकुलर। अब इसमें कुछ कुछ बहुत सारी चीजें इसमें पढ़ते हैं, जैसे ज्योमेट्रिकल आइसोमर के बारे में अगर चेक करते हैं, अगर इसमें देखेंगे हम कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमर थोड़ा चेक कर देख लेते हैं, अगर इस कंपाउंड के अगर आप चेक करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, तो इस तरह के कंपाउंड में कोई ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करता, क्योंकि देखो ज्योमेट्रिकल की कंडीशन होता है कि मॉलिक्यूल शुड बी प्लेनर, प्लेनर होना चाहिए। बट यहाँ पे जो एलिन्स के केस में देख रहे हैं कि जो इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड है वो एक दूसरे का परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पे होगा, और जब एक दूसरे का परपेंडिकुलर होगा तो इस कंपाउंड के अंदर ज्योमेट्रिकल आइसोमर भी शो नहीं करेगा, ठीक है। तो इस तरह के अंदर बहुत लोग पढ़ते हैं, जो नेक्स्ट लेक्चर में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज का सिर्फ लेक्चर था एलिन्स होता क्या है, एक्चुअल में एग्जिस्ट कैसे करता है, ठीक है। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना कि इवन नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा परपेंडिकुलर होगा, ऑड नंबर ऑफ पाई बॉन्ड होगा प्लेन में होगा, तो इसे बोलते हैं एलिन्स। अगर आप लोग के वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ओके, थैंक यू।